हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करिए। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हैव की सीरीज का पार्ट 13 और इसमें हम आपको सिखाएंगे विल हैव टू एंड शैल हैव टू का यूज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। हंसते हंसते रास्ते कट जाते हैं, इसलिए आप ना हंसिए ना बोलिए, सिर्फ कंसंट्रेट होके इस वीडियो को देखिए। अगर आप इस वीडियो को कंसंट्रेट होके पूरी सुकून के साथ अगर देखेंगे तो इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको ये वीडियो 100% समझ में आएगी। तो आइए पहले यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू के कंसेप्ट को हम समझ लें, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए इसका कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। कंसेप्ट में मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले आप इस पे नजर एक बार डाल लीजिए, अगर आप हमारे पुराने साथी हैं तो भी आप इस पे नजर डालिए, ताकि आपको ये देखते देखते एकदम जिंदगी भर के लिए रूल याद हो जाए इंग्लिश का। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। रखा जाता है हिंदी के शब्दों को में से ढूंढते हैं सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब कौन सा है उस सेंटेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी में से निकाल के इंग्लिश में इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं और आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। उसके बाद जो आप इसमें सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू, उसके यूज को सीखने से पहले जो सेंटेंस आपके सामने आएंगे उसको कैसे आप पहचानेंगे कि वो में उसमें आप इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके उस सेंटेंस को बनाएंगे, तो उसकी पहचान होगी करना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। किसी भी काम को अनिवार्य रूप से जब करा जाएगा, जैसे आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको मोबाइल चलाना पड़ेगा, मान लीजिए अनिवार्य रूप से अगर कह रहे हैं आपको कंप्यूटर चलाना पड़ेगा, ये अनिवार्य रूप से फ्यूचर में कही गई बात को आप विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तो आप पहचान आपने देख ली, करना पड़ेगा पड़ेगी किसी भी तरह से आप कह सकते हैं, अनिवार्य रूप से कोई काम करना पड़ेगा तो आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, शैल हैव टू या विल हैव टू। ठीक है, ये आपके रूल में है, ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, शैल हैव टू या विल हैव टू, जब ये पहचान आ जाएगी और उसके बाद आपके रूल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिए आई और वी के साथ शैल हैव टू और बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी के साथ विल हैव टू का यूज करेंगे आप, यानी कि आई और वी के साथ शैल हैव टू और उसके बाद जो बचते हैं यू दे ही सी इट या किसी का नाम, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके साथ विल हैव टू का यूज करेंगे। ये तो इसका कंसेप्ट हो गया। उसके बाद मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि शैल हैव, शैल का इस्तेमाल आपने अभी तक जितनी भी वीडियो देखी होगी फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी सेंटेंस में शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है, ये बात सही है। विल का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, ये भी बात सही है। लेकिन एक बात ये आप जान लीजिए कि मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज अब सारे ही सब्जेक्ट के साथ लोग कर लेते हैं, इसलिए अगर आप विल का भी इस्तेमाल आई और वी के साथ अगर कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, विल का इस्तेमाल ग्रामेटिकली आई ओ वी के साथ कब होता है, जब किसी काम को अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो ये जो आप आज सीखने जा रहे हैं तो इसमें तो काम अनिवार्य रूप से ही करना है, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप आई ओ वी के साथ भी अगर विल का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर आपने शैल का इस्तेमाल कर दिया तो गलत नहीं कह सकते उसे, वो भी सही है। लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आई ओ वी के साथ भी इस टाइप के सेंटेंस में आप विल का इस्तेमाल कर ले, जब किसी काम को अनिवार्य रूप से करना हो, तो किसी भी तरह का फ्यूचर का कोई सेंटेंस है तो उसमें आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं हम कुछ एग्जांपल से। सम एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू इज ऑन योर स्क्रीन, सो प्लीज वॉच दिस केयरफुली। देखिए आपके सामने अफर्मेटिव के सेंटेंस लिखे हुए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य जिसमें एकदम सिंपल बात कही गई हो, नहीं शब्द का इस्तेमाल ना हुआ हो और कुछ पूछा ना गया हो, तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में आपका पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। अगर अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ये अनिवार्य रूप से कही जा रही बात। ठीक है, तो इसका मतलब जब पढ़ना पड़ेगा अनिवार्य रूप से तो आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विल हैव टू। ठीक है, यहां पे विल का इस्तेमाल किया मैंने वी के साथ, लेकिन आप शैल का इस्तेमाल अगर कर देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर अनिवार्य रूप से आप कह रहे हैं तो ग्रामेटिकली विल का यूज किया जाता है।
और ये अनिवार्य रूप से करने वाले सेंटेंस भी हैं, तो आप विल का यूज़ करें तो भी सही है। दूसरी चीज़, मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर टाइप के सेंटेंस में विल का यूज़ किया जाने लगा है, तो भी आप विल का यूज़ कर सकते हैं। सेल का कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, फिर भी गलत नहीं होगा अगर आप उसका सेल का कर लेते हैं। तो सेंटेंस आपके सामने, हमें सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने पहचान देख ली, करना पड़ेगा विल हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो सेंटेंस में बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर, अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए, ये इतना क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब क्या होती है? जो काम किया जा रहा है उस सेंटेंस में वही वर्ब होती है, और जो कर रहा है उस काम को वो सब्जेक्ट होता है। तो कर कौन रहा है? हम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का, ये वर्ब हो गई। लास्ट में जो बचा वो ऑब्जेक्ट हो गया। और हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है कि किस टाइप के सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, वी विल हैव टू स्टडी फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं, वी शैल हैव टू स्टडी फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हें अपने मित्र से मिलना पड़ेगा, तुम्हें अपने मित्र से मिलना पड़ेगा। मिलने का काम हो रहा है, ये वर्ब है। कौन करेगा ये काम मिलने का? तुम करोगे, ये सब्जेक्ट है। मिलने का काम होगा, ये वर्ब है। जो बचा वो ऑब्जेक्ट है। करना पड़ेगा, पहचान गए आप, विल हैव टू, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, ऑब्जेक्ट लिखा, सेंटेंस खत्म हो गया। यू विल हैव टू मीट योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मित्र से मिलना पड़ेगा। तो अफर्मेटिव के एग्जाम्पल आपने देख लिया, आइए निगेटिव के कुछ एग्जाम्पल देख लेते। यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू के निगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर हैं। आइए आपको हम ये समझा दें किस तरह से इसे बनाना है। निगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव में आपने जैसे बनाया था उसमें जरा सा चेंज किया जाता है। चेंज क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब है, आपकी हेल्पिंग वर्ब थी have, will have to या shall have to, तो निगेटिव में आप होता है, निगेटिव की पहचान आप होती है, देख लीजिए, नहीं जिसमें आता है, नहीं ये पहचान हो गई निगेटिव की। और इस नहीं शब्द को हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद में नहीं की इंग्लिश नॉट लिख दी जाती है, बस इतना सा चेंज करना है। बाकी अफर्मेटिव में आपने जैसे सेंटेंस बनाए हैं वैसे ही बनाने हैं। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब के वर्ड के बाद में नॉट की इंग्लिश बढ़ा देंगे, नहीं की इंग्लिश। सेंटेंस है आपके सामने, उसे खाना नहीं खाना पड़ेगा, पहचान आप समझ गए, खाना पड़ेगा अनिवार्य रूप से फ्यूचर में, तो विल हैव टू का यूज करेंगे या शैल हैव टू का। उसे, उसके के लिए हमने ही लिख दिया, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, नहीं की इंग्लिश, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना, फूड जो आपकी थाली में मौजूद है उसे क्या कहते हैं? फूड। और जो खाने की क्रिया होती है उसको कहते हैं ईट। ईट माने खाना, सेकेंड फॉर्म होगी एट, थर्ड फॉर्म ईटन, आईएनजी फॉर्म ईटिंग, जिसकी तीनों फॉर्म बन जाए वो वर्ब होती है, ठीक है। और ये जो फूड लिखा है इसको भी आपने हिंदी में खाना लिखा, ये दोनों ही वर्ड एक ही तरह के हैं, लेकिन जो वर्ड किसी काम के करने को बता रहा है वो वर्ब है, और जो किसी काम के करने को नहीं बता रहा है, खाना आपकी थाली में रखा है उसे आप कहते हैं कि ये खाना है, तो ये फूड है, यानी कि वो फूड है, ठीक है। तो ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, और लास्ट में आपने लिखा इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सेंटेंस खत्म। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम्हें किताब से नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने नोट्स हो सकता है बनाए होंगे इस वीडियो को देखकर, इसलिए आपको किताब से नहीं पढ़ना पड़ेगा। उन्हें के लिए हमने दे लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, पहले वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के नॉट इंग्लिश, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो बचा लास्ट में वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट किताब से, दे विल नॉट हैव टू रीड फ्रॉम बुक, किताब से उन्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा। मुझे लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, मुझे के लिए आई लिखा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, और पहली हेल्पिंग वर्ब के वर्ड के बाद नॉट नहीं की इंग्लिश, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लास्ट में जो बचा वो ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई विल नॉट हैव टू गो टू लखनऊ, मुझे लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। अब यहाँ विल की जगह आप शैल का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत नहीं कहा जा सकता है, वो भी सही है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अभी तक हमने आपको बताया है कि विल का इस्तेमाल किया जा सकता है सभी सब्जेक्ट के साथ में। और ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो अनिवार्य रूप से जब किसी भी काम को जोर देके किसी काम को करने के लिए अगर आप कह रहे हैं फ्यूचर में, तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ आई वी के साथ भी विल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये अनिवार्य रूप से ही करने वाले सेंटेंस है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप विल का यूज करें। अगर आप शैल का इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। आइए कुछ इंट्रोगेटिव के भी एग्जांपल देख लेते हैं। यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू
के इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे हैं, आइए आपको ये भी हम एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव जिस तरह से आपने सीखा था उसी में जरा सा चेंज करना है आपको। जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं विल हैव टू या शैल हैव टू, उसका जो पहला वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का, दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर बन सकती है हेल्पिंग वर्ब, मगर पहला जो हेल्पिंग वर्ब का वर्ड होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी इंग्लिश उस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दी जाती है। आप एग्जांपल के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे, आइए देखते हैं कि क्या एग्जांपल है। सेंटेंस है पहला आपका, आपको पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव की पहचान है क्वेश्चन वर्ड आया होगा और लास्ट में इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चन मार्क रहता है, और ये क्वेश्चन वर्ड कहाँ क्यों क्या ऐसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो आप कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अब सेंटेंस में आप पहले पहचानिए सब्जेक्ट क्या है, किसको जाना पड़ेगा, आपको, ये सब्जेक्ट हो गया। जाना पड़ेगा, जाने का काम हो रहा है तो ये वर्ब हो गई। पढ़ने के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ ये क्वेश्चन वर्ड है। पड़ेगा अनिवार्य रूप से फ्यूचर में यानी विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज करके बनाएंगे, आप समझ गए। सेंटेंस आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यू, आपको यू या तुमको यू, ठीक है यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, मगर पहला हेल्पिंग वर्ब का वर्ड पहले आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव है, और इससे भी पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश वेयर विल यू हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट फॉर स्टडी वेयर विल यू हैव टू गो फॉर स्टडी, आपको अध्ययन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। अब एक चीज और यहां समझ लीजिए आप, यहां पे लगा है फॉर स्टडी, ये एक यहां पे फॉर लगा हुआ है, फॉर की जगह अगर आप टू का इस्तेमाल करते तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होता। क्यों ना होता, वो हम जीरन की एक वीडियो बनाएंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप चिंता ना करिए, वो भी हम एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जीरन की, जिसमें आपको ये हम बताएंगे कि यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। मगर मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ टू का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसे अगर एक वर्ब समझें, पढ़ना यानी अध्ययन करना या अध्ययन, उसे स्टडी कहते हैं, और स्टडी जो एक वर्ड है ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। अगर आप इसको वर्ब की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यानी अगर इसे वर्ब समझ रहे हैं कि ये वर्ब है पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, अगर ऐसा लिखा होता पढ़ने के लिए या अध्ययन के लिए लिखा हुआ है, अगर आप इसे वर्ब समझ रहे हैं तो ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है आप समझ रहे हैं तो आप इससे पहले टू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको जीरेन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि इससे पहले टू का इस्तेमाल या इन्फिनाइट होते हैं, फिनिट सेंटेंस होते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें टू का इस्तेमाल होता है। फिलहाल जब आप इसे वर्ब समझेंगे तो यहाँ टू का इस्तेमाल होगा, लेकिन मैंने इसको समझा कि ये अध्ययन एक नाउन है, नाउन के तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है अध्ययन वर्ड को, स्टडी को, और के लिए, तो के लिए मैंने फॉर लिख दिया और इसको नाउन एक समझा, नाउन समझ के इसको स्टडी लिख दिया, और के लिए की इंग्लिश फॉर लिख दी। अगर आप इसे वर्ब समझते तो इससे पहले टू लिखते, तो वो मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। आप अगला सेंटेंस देखिए, मुझे पेन से क्यों लिखना पड़ेगा। मुझे आई हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू या शैल हैव टू, पहली हेल्पिंग वर्ब का वर्ड पहले आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव है, और उसके बाद उससे पहले क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों की इंग्लिश आ गई, व्हाई विल आई हैव टू राइट, यानी लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट विथ पेन, व्हाई विल आई हैव टू राइट विथ पेन। अगला सेंटेंस आपका, उसे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसे, हमने इसको समझा लड़की है ये, तो इसके लिए हमने सी लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, लेकिन विल पहले आ गई पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब का क्योंकि इंट्रोगेटिव है, और इससे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या, यानी व्हाट विल शी हैव टू, और करना ये एक वर्ब है, करना डू लिख दिया वर्ब, ऑब्जेक्ट है नहीं लिखना नहीं है, व्हाट विल शी हैव टू डू, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं लिखना नहीं है। उसके बाद ये आपकी वीडियो खत्म हो चुकी है, और आपके लिए होमवर्क भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है जैसे कि हम देते हैं आपको, इसे प्रैक्टिस करिए, और वर्ब का भी होमवर्क है आपके सामने, इसे ले लीजिए, इसे भी प्रैक्टिस करते रहिए, याद करते रहिए, और इफ यू आर माई न्यू फ्रेंड टू वॉच दिस वीडियो सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। I will meet you with a new next video. Thank you for watching this video, guys.